एक कॉम्पिटिशन के रूप में अब किसी भी सरकारी जॉब को लिया जाता है। सर, आपके दौर की शुरुआत कैसे हुई थी? उस समय पर मैंने एक इंजीनियरिंग फर्म में काम किया था, लेकिन उसी के दौरान मुझे ऐसा जो काम करने में जो एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उससे मुझे लगा कि मेरे लिए प्रशासनिक सेवाएं ज़्यादा बेहतर होगी। हाँ सर, क्या वैसे भी आप कहते हैं कि कुछ सीखते रहना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये मानना यह है कि व्यक्ति की जो सिखलाई है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए और उसको हर दिन जो है ना कुछ सीखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि वर्दी को लेकर के पुलिस के लिए जो एक भाव है लोगों का, वो कब परिवर्तन हुआ? मैंने अक्सर उन लोगों को देखा है कि जिनका कभी पुलिस में कांटेक्ट नहीं हुआ, कभी कोई संपर्क नहीं हुआ, वो पुलिस को लेके नेगेटिव इमेज लेते हैं। उनको लगता है कि पुलिस तो एक अलग है, और जिनका भी हो जाता है वो एक अलग पॉजिटिव सोच के साथ में मिलते हैं। तो लगातार ये प्रयास कर रही है कि आप इतने बड़े बड़े घर, दुकान, शॉप बनाते हैं और उसमें एक CCTV फुटेज, वो क्या अहम रोल निभाता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अधिक पैसा खर्च करके आपने घर बनाया है या आपका बिजनेस है या आपकी दुकान है, तो आप थोड़ा पैसा खर्च करके उसमें कैमरा लगवाइए, क्योंकि बाल अवस्था में हम देख रहे हैं कई बालक जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपराध को एक नया ट्रेंड दे रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस का काम ना सिर्फ पकड़ने का है बल्कि उनको अवेयर करने का भी है कि ये नशा उनके लिए सही नहीं है। देखिए शख्सियत से रूबरू में एडिशनल SP राजेश व्यास के साथ खास बातचीत ACN भारत पर, ब्यूरो हेड भारत पाटिल के साथ रविवार रात 8 बजे।